यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और सांसद अश्विनी चोपड़ा ने अपने लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं सांसद ने कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण भी किया। अस्पताल के निरीक्षण के बाद सांसद ने मरीजों से हालचाल भी जाना। बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि अस्पताल में अब पहले से काफी सुधार है। साथ ही सांसद ने कहा कि जल्द ही अस्पताल में और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने अपने चुनाव लड़ने को लेकर भी अश्विनी शर्मा ने कहा कि अगर टिकट मिलता है तो करनाल से ही वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो इसी के साथ और वहीं करनाल के आरके पुरम पार्ट टू में बनी कॉलोनी पर प्रशासन की ओर से जेसीबी चलाया गया। प्रशासन की माने तो ये कॉलोनी अवैध है। हालांकि कॉलोनी वासियों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन प्रशासन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से प्लॉट में बने चार दीवारी को तोड़ा। प्रशासन की इस कार्यवाही से लोगों में काफी रोष है। वहीं मौके पर मौजूद पार्षद बलविंदर सिंह का कहना है कि ये कार्यवाही बिल्कुल गलत है। अगर किसी के घर पर कोई कार्यवाही की जाती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। व्हीकल्स हैं, अपने खाली जगह में कर लीजिए।